क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11। टेक्निकली मुझे क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, ए क्या दे दिया 8 और बी क्या दे दिया, क्या नहीं है मेरे पास सी, बट उसको कंपनसेट करने के लिए उसने पेरीमीटर कितना दे दिया। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तो मतलब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 32 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस सी। सब एग्री करते हो, 8 एंड 11 32 में से 19 गए 13, तो सी कितना आया। क्या ये बात सबको समझ आई, बोलो। अच्छा अगर पेरीमीटर 32 है तो बताओ एस क्या हो जाएगा, 16 सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, तो इसको लिख दो 32/2 विच इज, बोलो यस और नो। अच्छा अब एरिया का मामला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ऑल अंडर दी, ठीक है भाई साहब। एस की जगह 16 16 माइनस 8 16 माइनस 11 16 माइनस ऑल अंडर द रूट। अब थोड़ा संयम से और ध्यान से, 16 का रूट क्या होता है, तो बाहर 4 रख दूं। 16 माइनस 8 क्या होता है, 8 के अंदर कितने 2 3 टाइम्स 2, तो मैं अभी रूट के अंदर जानबूझ के 2 इंटू 2 इंटू 2 रख रहा हूं। बोलो 16 माइनस 11 5 16 माइनस 3, क्या बात समझ आई। इसमें से एक पेयर 2 बाहर आ गया, तो 4 2 जा 8 5 3 जा 15 15 2 जा, कुछ भी पेयर नहीं बन रहा, तो आंसर क्या आया 8 रूट 30 सेंटीमीटर। एरिया में यूनिट्स का ध्यान बहुत देना है, 8 रूट 30 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा देख लो, पेरीमीटर कितना था 32, 8 एंड 9 8 एंड 11 19 32 माइनस 19 13 13 आते ही मैंने यहां पुट किया फॉर्मूले में एस एस माइनस एस माइनस बी सी में पेयरिंग निकालनी है रूट में से, मैंने ये 16 का 4 पहले ही बाहर निकाल दिया। इज दैट क्लियर, जो पेयरिंग मिलती है करते जाओ साफ, और जो रूट में बच गया वो मेरा आंसर है। इज दैट क्लियर, श्योर करिए नोट।